नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। क्षेत्र में विकास किशनपुर आश्वासन देने वाले मुखिया प्रत्याशी एवं पंचायत समिति के द्वारा वोट देने का मूड इन दिनों जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में दिख रहा है। शनिवार को INN24 प्रतिनिधि सुनील वर्मा ने प्रतापपुर पंचायत के कुछ मतदाताओं से टटोलने के प्रयास में इस संबंध में पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं सोशल वर्कर नौसाद अली ने बताया कि क्षेत्र में विकास करने वाले जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के अलावे सर्व समाज के विकास करने के प्रति जो गंभीर रहेंगे, हम वैसे ही लोगों को अपना वोट देंगे। प्रतापपुर पंचायत के प्रतिबुद्ध नागरिक एवं सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद यादव ने भी कहा कि आज पंचायत में कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, दलाल सक्रिय है। जो उम्मीदवार लोगों के आन बान शान को पूरा करने के प्रति गंभीर रहेगा, लोगों को चाहिए कि उसे ही वोट दें। उन्होंने कहा कि आज पंचायत में दलालगिरी इस कदर बढ़ गई है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की स्वीकृति कराने के लिए भी पैसे वसूली की जा रही है। झारखंड सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जमुआ प्रखंड को प्रथम चरण चुनाव है और आज से लोगों की चुनावी प्रचार भी शुरू हो गई है और मैं जमुआ चित्तौड़ी मुख्य मार्ग प्रतापपुर पंचायत के सीमांकन पर खड़े हैं। इस बीच में प्रतापपुर से मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि इस पंचायत चुनाव में आप किस ओर वोट करेंगे। तो यहाँ पर प्रतापपुर पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य नौसाद अली से मेरी बात होगी कि क्या रहेगी इस बार चुनाव में आपकी भूमिका। लेकिन चुनाव हमारे पंचायत में बहुत ही लोकप्रिय पंचायत है और चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। क्या नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए या फिर जनता की इशारे पर आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के लोग हमारे वर्तमान मुखिया, हमारे कुछ लोगों में और भी जो नए चेहरे हैं, अपने मेरिट के हिसाब से लोग वोट करेंगे और जिनको अच्छा लगेगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। इन्होंने कहा कि काम करने वाले प्रत्याशी को यहाँ की जनता वोट करेगी और जो काम किया है उसको जरूर मौका मिलेगा और कुछ नए चेहरा भी है उसको भी लोग तलाश रहे हैं कि क्या गतिविधि रहेंगे उन पर। तो चलिए, मैं एक और मतदाता से एवं जमुआ सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव से मैं भी रूबरू होंगे। क्या रहेगा पंचायत चुनाव में इस प्रतापपुर पंचायत का दिशा निर्देश? प्रतापपुर पंचायत में जमुआ प्रखंड की 4200 पंचायत प्रधान जो पंचायत के जिससे कि राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की जन तक जब पहुंचाने का काम करेंगे तो तय करेगी वहाँ की जनता, वहाँ की पंचायत के तमाम मतदाता कि हमें कौन मुखिया और हमें जो सरकार की तरफ से जो भी योजना मिलेगा वो हम लोग तक पहुँचावें, ग्रामीण स्तर तक पहुँचावें, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, गरीब का आवास हो, ये सब चीज़ें जो अधिक भूमिका निभाएंगे और पब्लिक के बीच जाएंगे